जयप्रकाश नारायण की 118वीं जयंती के अवसर पर सदर सांसद रवि किशन ने असुरन चौक स्थित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर सदर सांसद ने कहा कि जननायक स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण के लिए जन कल्याण से बढ़कर कुछ नहीं था। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए देश को एक नई दिशा दी और जन आंदोलन का मजबूती से नेतृत्व किया। वो देश की क्रांति के नायक थे और उनके द्वारा किए गए संघर्षों को आम जनमानस को एक प्रेरणा के रूप में अपने जीवन में लाना चाहिए। सदर सांसद ने कहा कि ये हमारा सौभाग्य है कि इस देश को एक महान नेता मिला था जिसने अन्याय भ्रष्टाचार का हमेशा विरोध किया और उनकी जयंती के अवसर पर हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन ने कहा का मुख्य उद्देश्य ये था कि जेपी मूवमेंट इंदिरा गांधी जी को हिला दिया था। कांग्रेस सरकार जिसकी नींव इतनी कड़क थी इस देश में, जिनको लगता था हमारा कोई तोड़ ही नहीं है, एक व्यक्ति जेपी विचार है जितना कि एक विचारधारा थी और जेपी मूवमेंट ने क्रांति ले आया। जेपी मूवमेंट के बाद कई नेतागण, लालू जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, नीतीश जी, ऐसे अनगिनत नेता, एक छात्र नेता, एक युवा नेता, क्रांतिकारी नेताओं का जन्म हुआ। तो इनको आज याद करके हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो मेरा पूरा बिस्मिल नगर मंडल, हमारे सारे पार्षदगण आज सब लोग आए हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूं और सबकी तरफ से पूज्य महाराज जी की तरफ से, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, समस्त देश गोरखपुर की जनता को कि जेपी मूवमेंट को, जेपी जी की बातों को पढ़ना जरूरी है। बच्चों के लिए एक एक सोच मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है।